इस वक्त हालात यह है कि गर्मी से कोहरा मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में लोगों को 50 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। इस आग उगलते आसमान से पूरे उत्तर भारत में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में तापमान 50 डिग्री को भी पार कर गया। सबसे ज्यादा तापमान वाले देश के 10 शहरों में 5 राजस्थान के हैं। हर दिन यहां पर रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं गर्मी के। जी हाँ, और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा है 100 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में तापमान 49.9 डिग्री पहुंचा। देश में 17 जगहों पर पारा 48 डिग्री पार। राजस्थान के चुरू में 50 डिग्री पार तापमान। हरियाणा के सिरसा में भी टेम्परेचर 50 डिग्री को पार कर गया है। देश में 17 जगहों पर जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री से ऊपर है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रचंड गर्मी का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। और चलिए आप जानते हैं कि देश में कहां कहां पर गर्मी कहर बरपा रही है। तो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब इस वक्त गर्मी की आग से झुलस रहे हैं। सूरज यहां पर आग उगल रहा है। अहम जानकारी क्या है, उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। देश में 17 जगहों पर पारा 48 डिग्री को भी क्रॉस कर गया। राजस्थान में लू से 4 लोगों की मौत अभी तक हो गई है, जो जानकारी सामने आई है। इसके अलावा चूरू, सिरसा में तापमान 50 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा जानकारी ये कि दिल्ली में आज भी गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ दिन में दिल्ली में छिटपुट बारिश हो सकती है और उम्मीद यह है कि इससे कुछ राहत मिले। तो देश भर में गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ कहर जारी है। ऐसे में गर्मी के कहर से बचने के लिए लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी जल तपस्या के जरिए। आप देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है जयपुर की। यहां पर आसमान से आग बरस रही है, धरती गर्मी से धधक रही है। तो शिव मंदिर में लोग वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल तपस्या कर रहे हैं, जल साधना कर रहे हैं। पानी के ड्रम में बैठकर जल तपस्या के जरिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तापमान कम हो और बारिश हो। दरअसल राजस्थान में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। फलौदी से लेकर जयपुर तक सूरज की तपिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसलिए जयपुर के वेद पाठी ब्राह्मण अब भगवान शिव और इंद्र देव की आराधना कर रहे हैं ताकि राजस्थान में गर्मी से राहत के साथ अच्छी बारिश हो सके। तो देखिए, प्रचंड गर्मी का सामना इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को करना पड़ रहा है। उनमें से दो राज्य तो सबसे ज्यादा गर्मी का सामना कर रहे हैं और वो हैं दिल्ली और राजस्थान। राजस्थान से हमारे सहयोगी ध्वज आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट देने के लिए। ध्वज का रुख करेंगे। ध्वज, ये बताइए कि राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान सरकार ने प्रचंड गर्मी को देखते हुए क्या फैसले लिए हैं और इस वक्त वहां पर मौसम कैसा है? देखिए, राजधानी की बात करें तो राजधानी का तापमान अभी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है 46.6 डिग्री, यानी कि कल का तापमान था 46.6 डिग्री। और इस तापमान के बाद में ये माना जा रहा है कि ये जो तापमान है सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और 6 से ज़्यादा जिले जो हैं वहाँ 48 डिग्री से ऊपर का तापमान है। सबसे ज़्यादा तापमान है चूरू का, यहाँ 50.5 यानी कि 50.5 डिग्री टेम्परेचर है। और आप ये देख सकते हैं, ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस ने एक अलग व्यवस्था की गई है कि जो ट्रैफिक पर जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट पर जो लोग खड़े होते हैं, लोगों को राहत देने के लिए यहाँ ग्रीन शेड लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखा जाता था, लेकिन तेज़ गर्मी की वजह से यहाँ का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी जो है कम दिखाई दिया जा रहा है। एक ट्रैफिक में लोग ज़्यादा खड़े रहें और ज़्यादा देर तक खड़े रहें, इसके लिए भी जो है रेड लाइट का जो समय है वो 30 से 45 सेकंड जो है कर दिया गया। यहाँ ट्रैफिक के जवान हैं, आप देख सकते हैं धूप में भी ये जो ड्यूटी कर रहे हैं, मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कहना है आपको, बड़ी परेशानी हो रही होगी? जी सर, गर्मी में बड़ी परेशानी तो रहती है, बहुत परेशानी है गर्मी में, टेम्परेचर बहुत हाई है। लेकिन एक आदेश दिया है DCP ने, उन्होंने ये कहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी 12 से 3 बजे तक जो है धूप में खड़ा नहीं रहेगा। ये जो आदेश आया है इसको किस तरीके देखते हैं, क्या आदेश मिला आपको ऐसा? सर अभी तो कोई ऐसा आदेश मिला नहीं है, वैसे ऐसा आदेश आया तो बहुत बिल्कुल ध्वज। तो हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली हो या फिर राजस्थान, हर तरफ लोग 50 डिग्री का टॉर्चर झेलते हुए नजर आ रहे हैं और इससे कोई फौरी राहत मिले ऐसी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही।
और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर मधु विहार में पार्किंग में भीषण आग लग गई। पार्किंग में भीषण आग से 17 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल की 9 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के मधु विहार का पूरा मामला है। गर्मी काफी ज्यादा है और अचानक से पार्किंग में जो खड़ी गाड़ियां हैं उनमें आग लग गई। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिजीत, क्या पता चल पा रहा है, गर्मी की वजह से सब हुआ या फिर कोई और वजह थी? देखिए, आग लगने के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये डीडीए की पार्किंग है जहां पर 500 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, तमाम आपको जहां तक देखेंगे आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। लेकिन इस जगह पर आग लगने का कारण आखिरकार क्या था, क्योंकि यहां पर शॉर्ट सर्किट का भी ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आता है, तार भी नहीं कोई ऐसी गुजरती जिसकी वजह से आग लगे हो। लोगों का ये आरोप है कि ये किसी व्यक्ति की शरारत हो सकती है या फिर यहां पर किसी कारण से आग लगी, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहां से जानकारी यही सामने आ रही है कि लगभग 17 गाड़ियां जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ी जो है लोहे के ढांचे के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। स्थानीय लोग भी आकर, तमाम लोग जिनकी गाड़ियां जल गई हैं वो आकर इसे देख रहे हैं और उनका कहना है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। डीडीए की एक बड़ी पार्किंग है और उनका कहना है कि सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से निगरानी में कमी है और निगरानी में कमी होने की वजह से ही आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। जो हमने पार्किंग मैनेजर से बात की तो उनका कहना है कि लगभग एक दर्जन से ज्यादा बिल्कुल, तो क्या किसी की तरफ से आग लगाई गई, क्या हुआ था, कैसे ये सब कुछ हुआ, अभी इसकी जांच की जा रही। लेकिन 17 गाड़ियां जलकर मधु विहार की इस पार्किंग में खाक हो गए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अभिजीत। तो दिल्ली में तापमान 49 डिग्री के पास तक पहुंच चुका है, इससे कम होने के आसार फिलहाल नहीं है। आग लगने की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग की टीम को सैकड़ों कॉल रोजाना मिल रहे हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने दिन रात एक कर दिया। दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से फायर डिपार्टमेंट को हर रोज 200 से ज्यादा आग लगने की घटनाओं की कॉल मिल रही है, जबकि पहले अमूमन 50-60 कॉल मिलती थी, जिनसे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। पिछले दिनों विवेक विहार के अस्पताल में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई। कृष्णानगर में घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बवाना, नरेला, पश्चिम विहार इलाके में कई फैक्ट्री में बड़ी बड़ी आग लग गई। इस साल तापमान 49 डिग्री के पास तक पहुंच चुका है, जिसके नीचे आने के आसार फिलहाल नहीं है। इस बीच सकरी गलियों में फायर गाड़ियों को पहुंचने में दिक्कत को देखते हुए डिपार्टमेंट ने अभी हाल में 24 गाड़ियां खरीदी हैं। अगर किसी बिल्डिंग पर आग लगी हुई है, मान लीजिए ये हाई राइज बिल्डिंग है, तो इस तरीके से जो आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर है ये ऊपर 30 मीटर तक पहुंचती है और इस तरीके से आग को बुझाया जाता है, उस पर काबू पाया जाता है और अगर कोई उसमें फंसा हुआ होता है तो वो उसको स्काई लिफ्ट के जरिए रेस्क्यू कराया जाता है। फायर फाइटिंग के लिए दिल्ली में अब रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिल्ली फायर टीम के पास 18 फायर रोबोटिक मॉनिटर मौजूद हैं। कैसे और कहां पर इनका इस्तेमाल हो रहा है आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा। फायर डिपार्टमेंट के पास एक कारगर हथियार है, ये आप देख सकते हैं, जिसको कि मॉनिटर बोला जाता है। ये एक तरीके का रोबोटिक मॉनिटर होता है और ये इस तरीके से आग में आगे बढ़ता हुआ जाता है और इस तरीके से पानी की बौछार छोड़ के आग को बुझाने का काम करता है। ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। आग, ये अगर आग बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हो तो इस तरीके से ये आग पर स्प्रिंकल करता है और आग को बुझाने का काम करता है। इस वक्त रोबोटिक मॉनिटर है ये और ये चल करके जाता है, बाकायदा इसको मशीन के जरिए एक रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाता है। इस तरीके से मूवमेंट करता है, किसी भी तरफ मुड़ सकता है ये और उसके बाद एक बड़े प्रेशर से लॉन्ग डिस्टेंस तक की ये फायर करता है। इसके अलावा अगर आग बहुत ज़्यादा फैली है और उस पूरे एरिया को काफ़ी तेज़ी से अगर आग बुझाना है तो इस तरीके के वाटर स्प्रिंकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगे होते हैं जिससे पता लग सके कि क्या कोई अंदर है या नहीं है। और बड़ी खबर है, गर्मी पर सीएसई की रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे हैं। रात में महानगरों का तापमान बढ़ रहा है, कंक्रीट और डामर के प्रभाव से ज्यादा तापमान, तेजी से बढ़ते शहरीकरण से गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। तो सीएसई की रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए यह आपको बताते हैं। पिछले 2 दशक बेहद गर्म रहे और तापमान लगातार बढ़ रहा है। महानगर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में उमस बीते
दशक से 5 से 10% तक बढ़ गई है। हैदराबाद में 10%, मुंबई में 8%, कोलकाता में 7%, तो वहीं चेन्नई में 5% तक उमस बढ़ गई है। इसकी वजह है बढ़ता हुआ शहरीकरण, क्योंकि बिल्टअप एरिया लगातार बढ़ा है। 2003 में 31.3% बिल्टअप एरिया बढ़कर 2022 में 38.2% तक ये पहुंच गया। और शहरीकरण का गर्मी कनेक्शन क्या है, ये खुद पर्यावरण विशेषज्ञ सुगीत ग्रोवर से सुनिए। हमारे जो ग्रीन एरियाज हैं और ब्लू एरियाज हैं, मतलब जो वाटर बॉडीज हैं और जो प्लांटेशंस हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो सारे कम होते जा रहे हैं। हमने अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ा दिया लैंड, तो उस वजह से हीट जो अब्जॉर्ब हो जाती थी वो कम हो गई है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहे हैं। अब आपकी गाड़ी है या एयर कंडीशनर है, ये हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहे हैं, और अगर वो हीट प्रोड्यूस होगी और हम लोग सही तरीके से शहर डिजाइन नहीं करेंगे तो वो हीट ट्रैप होती जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आसमान से जो आग बरस रही है, इस गर्मी से राहत कब मिलेगी? तो बिग वॉल का हम सीधा रुख कर रहे हैं। देश में मानसून तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है अगले 5 दिनों में केरल में मानसून सक्रिय हो जाएगा। सामान्य से 106% ज्यादा बारिश की इस बार उम्मीद जताई जा रही है। रेमल तूफान की वजह से मानसूनी धाराओं में और भी मजबूती आ गई है। गुजरात, झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। 7वें चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कोलकाता में पीएम मोदी ने देर शाम को रोड शो किया। पीएम के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। ममता के गढ़ बंगाल को ढहाने के लिए खुद पीएम मोदी चुनावी मैदान में लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में भव्य रोड शो किया। पीएम ने उत्तर कोलकाता की श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के लिए रोड शो किया। पीएम मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। सड़क के दोनों ओर युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पीएम के साथ एक तस्वीर लेने के लिए लोग व्याकुल थे। सड़क के दोनों ओर इमारतों पर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन किया। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाग बाजार के प्रसिद्ध माँ शारदा के अंतिम निवास वाले घर मायरबाड़ी में पूजा अर्चना की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के बहाने टीएमसी पर बड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि संविधान और तानाशाही चिल्लाने वालों को बंगाल में आकर हालात देखने चाहिए, यहां पर बोलती बंद हो जाएगी। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है। जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं, जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। और टीवी 9 भारतवर्ष को दिए खास इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी 400 पार करेगी। शाह ने कहा कि 5वें चरण में ही हम 310 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सर, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आपकी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है, वो लक्ष्य है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 6ठे चरण का आकलन में ढंग से हमारी कैडर से पूछ नहीं पाया हूं, परंतु 5 चरण में हम सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 चरण में 310 को पार कर चुके हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा
कि अंतिम चरण इधर उधर होता है तो बाकी के बिगड़ ना जाए, वो स्टेज निकल चुका है। कुछ बिगड़ना करना है नहीं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और छठा और सातवां मिलाकर हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। क्या करना चाहते हैं उसका सवाल नहीं है। कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अपना लक्ष्य नीचा रखेगा या ऊपर रखेगा। तो 370 तो हमें जनता ने दे ही दिए थे, इसलिए 400 ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो अभी 100 क्रॉस नहीं कर पाए। टीवी 9 भारत वर्ष से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी का एक भी सांसद संसद में है, हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। आरक्षण पर उन्होंने और क्या कहा, यह भी आपको सुनाते। बड़ा सवाल जो अब सबके सामने रखा जा रहा है वो ये है कि जैसे ही 400 पार हुआ उसके बाद ये लोग संविधान बदल देंगे, ये चीजें बदल देंगे। कांग्रेस बार बार कह रही है, आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 2014 से नरेंद्र मोदी जी को दी है। इसके लिए 400 पार नहीं चाहिए। उनको संविधान की बदलने की प्रक्रिया भी मालूम नहीं है। और अब आप आधा अधूरा पूछते हो, मैं पूरा कर देता हूं। वो आरक्षण के रेफरेंस में ही कह रहे हैं कि आरक्षण छीन लेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण छीन लेगी। आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम पर तो आरोप लगा है, इन्होंने तो कर चुके हैं कर्नाटक और हैदराबाद में, और ममता बनर्जी ने बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण देकर पिछड़ा समाज के आरक्षण पर, एससी के आरक्षण पर, एसटी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के मतदान से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। खबर है कि पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पूरे दिन मेडिटेशन करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 30 मई की रात कन्याकुमारी पहुंचेंगे और अगले दिन यानी 31 मई को वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। पीएम मोदी 31 मई को पूरे दिन रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर सकते हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। वाराणसी में भी वोटिंग 1 जून को ही होनी है और इससे एक दिन पहले पीएम ने ध्यान योग का प्लान बनाया है। पीएम मोदी 30 मई को सुबह 11 बजे पंजाब के होशियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम के आधिकारिक कार्यक्रम में 31 मई और 1 जून का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी 1 जून को मतदान से पहले ध्यान योग करेंगे। कहा जाता है कि शिकागो यात्रा से पहले स्वामी विवेकानंद ने समुद्र में एक विशाल शिला पर ध्यान किया था और अब वहीं पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया है, जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के समय पीएम मोदी केदारनाथ गए थे, जहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर साल 2019 की है, जब प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में ध्यान किया था और अब वो 31 मई को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने वाले हैं। ये वही जगह है जहां पर विवेकानंद ने शिकागो दौरे से पहले ध्यान लगाया था। इधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीएम मोदी मुसलमान कर रहे हैं। संविधान से मोहब्बत करने वालों को पता लग गया है कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। फर्स्ट फेज के बाद सातवें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर, और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, और 400 पार का मतलब दलित आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं, वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, देश देख रहा है इन चीजों को। सर,
वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार दोनों शहजादे बीजेपी को मात देने जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन्हें मोदी फोबिया हो गया है, सपा कांग्रेस का गठबंधन जीरो पर आउट हो रहा है। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन लोगों ने माँ गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि माँ गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे, माँ गंगा तो साफ नहीं हुई लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। उनको सोते मोदी जी दिखाई देते हैं, जागते मोदी जी दिखाई देते हैं, दिन में मोदी जी दिखाई देते हैं, रात में मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी नाम ने उनको सबको व्याकुल कर दिया है। उनके हाथ से सत्ता चली गई है, अब सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। इस परेशानी से दोनों शहजादे परेशान हैं और जहां तक मेरी जानकारी है सपा कांग्रेस का गठबंधन जीरो पर आउट हो रहा है। लेकिन अखिलेश, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को पंजाब की कई सीटों पर आपको बता दें कि चुनाव होना है। प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कल जीरकपुर में रोड शो भी किया। आप देखिए, जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13-0 के मिशन पर लगे हैं। 30 मई तक यानी आखिरी चरण की वोटिंग के चुनाव प्रचार तक पंजाब के चुनावी दौरे पर है। हर दिन वो कई चुनावी सभा कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जीरकपुर में रोड शो के दौरान भी उन्होंने हुंकार भरी, प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब जनता की सुनिए। आगे तुमको पसंद कर रहे हैं? नहीं, पसंद तो ऐसे है ना कि जो नीतियाँ अच्छी अपनाएंगे तो पसंद करेंगे, नहीं तो जो पहले जो उनमें हुआ है वो अब भी हो जाएगा। आपने तय कर लिया है सर, आपके लिए क्या मुद्दे रहने? हमारा तो जी लाइट का ही है मेन, तो लाइट से बहुत प्रॉब्लम है, फ्रिज वगैरह सड़ जाते हैं। अभी पिछले दिन अप डाउन लाइट चल रही थी, फ्रिज सड़ गया, इन्वर्टर सड़ गया, यही चीज़ है मेन लाइट का। लाइट होने की जरूरत है जिससे कि युवाओं को नशे की तरफ जाने से बचाया जा सके। इनके लिए लड़ना चाहिए हर एक पार्टियों को, वो कोई भी पार्टी सामने नहीं आ रही है। 1962 में भारत चीन युद्ध को लेकर कांग्रेस नेता मणीश शंकर अय्यर के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। विवाद बढ़ने के बाद अय्यर ने माफी भी मांगी है। कांग्रेस नेता मणीश शंकर अय्यर के इस बयान के बाद सियासी उबाल है। कथित रूप से भारत पर आक्रमण की बात कहकर मणीश शंकर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। अय्यर के कथित शब्द को लेकर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या दर्शाता है। विवाद बढ़ता देख मणीश शंकर अय्यर ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि कथित शब्द गलती से निकल गया। कांग्रेस ने अय्यर के बयान से अपने आप को किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अय्यर ने कथित आक्रमण शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी है। कांग्रेस नेता अय्यर का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अय्यर ने अपने बयानों की वजह से पार्टी को मुश्किल में डाला हो। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी टिप्पणी की थी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अय्यर के बयानों से खुद को अलग कर लिया था। गुजरात सरकार मदरसों का सर्वे करवा रही है। बताया जाता है कि सरकार यह देखना चाह रही है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें स्कूल में भी भेजा जा रहा है या फिर नहीं। सूरत के सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले आए। गुजरात सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले 7,000 बच्चों को स्कूली शिक्षा देने का फैसला किया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश के सभी राज्यों से पूछा था कि गैर हिंदू बच्चे कैसे पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने आयोग को बताया है, राज्यों में मदरसा बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है, शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। गुजरात में मदरसा का जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा दी गई माहिती अनुसार हमने सर्वेक्षण किया है, 7,000 बच्चे प्राथमिक बेंच पर, ये फिक्स संख्या नहीं हो सकती शायद, वो लोग सिर्फ मदरसा में ही स्टडी कर रहे हैं और जो मूल शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए
ये शिक्षा प्राप्त नहीं की है। राज्य सरकार के मुताबिक सूरत के मदरसों में जांच करने के बाद पता चला कि 800 छात्र ऐसे मिले जो सिर्फ मदरसों में पढ़ाई करने जाते हैं। आपको बता दें कि लगभग 60 छात्र ऐसे हैं जो सूरत में यूपी और बिहार से आकर मदरसों में पढ़ाई करते हैं। हैदराबाद पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 13 नवजात बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। ये आंसू बेहिसाब हैं, दर्द बे इंतहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें सालों से कोई औलाद नहीं थी, लाखों खर्च किए तब दामन में खुशियां आई थी, लेकिन क्या पता था कि जो बच्चा उनकी गोद में किलकारियां भर रहा है वो चोरी करके लाए गए थे। कई लोग ऐसे हैं जो करीब साल दो साल से बच्चों की परवरिश कर रहे थे, ममता लुटा रहे थे, लेकिन उनके अचानक छिन जाने से इन माओं की गोद फिर सूनी हो गई। तो उनका असली, उनसे पूछे नहीं अब असली माँ पिता ही कौन है। बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद 11 अक्यूजों में से 3 को अरेस्ट किया है, जो पूना, मुंबई, दिल्ली के कई इलाकों से बच्चा तस्करी करके आंध्र और तेलंगाना के कई इलाकों में लाखों रुपए में बेच दिया करते थे। राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत मेडीपल्ली पुलिस ने शोभा रानी नाम के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, जहां से 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पूछताछ के बाद 13 शिशुओं का रेस्क्यू किया गया, जिन्हें शिशु कल्याण विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 11 स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की। कई बुक पब्लिकेशन कंपनी और बड़े बड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में आए। ये चंद चेहरे हैं जो इन दिनों सलाखों के पीछे भेजे गए। इनमें कई निजी स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल हैं। ऐसे 20 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जबलपुर जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। निजी स्कूलों के खिलाफ राज्य सरकार के नियम की अनदेखी का आरोप है। बताया जाता है कि स्कूलों ने 50% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी की। 21,000 छात्रों से 81,30,00,000 रुपए अवैध तरीके से वसूल किए गए। यहां तक कि ऑडिट रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 9 थानों में 11 FIR में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली। स्कूलों के गोरखधंधे के खिलाफ करीब 2 महीने जिला प्रशासन ने मुहिम चला रखी थी। इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पा रहे। इनकी जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था कि इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि ये उसको घुसी नहीं पाते थे जांच के लिए। खबर नोएडा से। नोएडा हिट एंड रन केस में एक बड़ा अपडेट है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। रविवार को तेज रफ्तार ऑडी से टक्कर में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। अब 2 लड़कों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है। नोएडा का मामला हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई अपडेट मिल रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को तेज रफ्तार ऑडी से टक्कर मारी गई थी और इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं 2 आरोपी। उनसे पूछताछ जारी है। कार के शीशे चकनाचूर, बोनट पिचका है। अंदाजा लगा सकते हैं कि बुजुर्ग को इस कार ने कितनी जोरदार टक्कर मारी होगी। ऑडी कार है जिससे घटना हुई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो शीशा है, ये शीशा उस बुजुर्ग के इस गाड़ी के टक्कर खाने से उछलकर इस शीशे पर गिरने के बाद ये टूटा है। गाड़ी के जो मालिक है वो प्रमोद है, जिनका गुड़गांव हरियाणा का जिनका एड्रेस है। इसके आधार पर हम लोग गहन जांच कर रहे हैं। जो भी वाहन चालक है या और भी जो लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। हरियाणा की नंबर प्लेट वाली ये वही कार है जिसे ढूंढने के लिए 2 दिनों से पुलिस की 7 टीमें काम कर रही थी। 150 से ज्यादा CCTV देखने के बाद इसे दिल्ली के एम्स के पास किदवाईपुरी की एक पार्किंग से बरामद किया गया है। इसी ऑडी कार से उस बुजुर्ग की मौत हुई थी और जिसके बाद ये घटना घटी और परिजनों का आरोप था कि नोएडा पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन नोएडा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ऑडी कार बरामद कर ली और जल्द ही चालक को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की स्थायी सीट के लिए भारत लगातार अपने दावेदारी को पेश करता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिमला में कहा कि भारत UNSC का स्थायी सदस्य बनने के लिए दबाव बना रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य इसे जल्द से जल्द हासिल करना है, लेकिन ये लक्ष्य इतनी जल्दी हासिल नहीं होगा क्योंकि UNSC के स्थायी सदस्य काफी प्रभावशाली हैं और वो ये नहीं चाहेंगे कि स्थायी सदस्यों की संख्या
छह, सात या फिर आठ हो जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सवाल जो है, हमारी कोशिश तो है कि जितनी जल्दी हमें स्थायी सदस्यता मिल जाए, हम तो वो जरूर चाहेंगे, पर ये लक्ष्य जो है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आज भी जो परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी बहुत चलती है, यूएन में भी चलती है, यूएन के बाहर भी चलती है। वो किसी भी, आज गाजा की बात हो, यूक्रेन की बात हो, वो जो है अपने बीच में जो आपस की डीलिंग जो करते हैं, दुनिया को जो प्रभावित जो करते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि इसमें पांच जो है छः या सात या आठ बन जाए। तो जो अभी जो हम कहते हैं जो टेबल पे बैठे, वो तो चाहेंगे कि वो कुर्सियाँ उतनी रहें जितनी अभी। तो हमें जो आना है, हमें पूरे मैं कहूँगा कि समाज को जागरूक करके, दबाव डाल के उनको मनवाना है, और तभी जब वो मानेंगे तभी हमें वो लक्ष्य प्राप्त होगा। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के सांगली में नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई।